इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या मैं आपकी मदद करूँ, क्या मैं आपकी मदद करूँ। तो इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप बोलेंगे शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू। यहाँ पर शैल का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी सवाल करने के लिए। तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम शैल से सवाल पूछ लेते हैं, यानी क्या मैं आपकी सेवा करूं, तो इसको बोलेंगे शैल आई सर्व यू। सेवा करने की इंग्लिश होती है सर्व। क्या मैं आपको छोड़ दूं, यहाँ पर छोड़ने का मतलब है जैसे कहीं हम किसी को छोड़ कर आते हैं बस स्टैंड पर या स्टेशन पर, इस तरीके से। शैल आई ड्रॉप यू, शैल आई ड्रॉप यू। लंबा करना हो सेंटेंस को तो एट द स्टेशन या एट द बस स्टैंड ऐसे कर सकते हैं। क्या मैं आपको हंसाऊं, क्या मैं आपको हंसाऊं, शैल आई मेक यू लाफ, शैल आई मेक यू लाफ। अगला सेंटेंस है, क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं, क्या मैं आपको कहानी सुनाऊं, इसको बोलेंगे शैल आई टेल यू अ स्टोरी, शैल आई टेल यू अ स्टोरी। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, रोज़ाना हम इस बात को कहते रहते हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, वाट शैल आई डू, वाट शैल आई डू। अगला सेंटेंस है, मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या पढ़ूँ, ये भी अच्छा सेंटेंस है, इसको बोलेंगे वाट शैल आई रीड, वाट शैल आई रीड। अब जो सेंटेंस आ रहा है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं क्या लिखूँ, ये बच्चे अक्सर बोलते हैं, अपने टीचर से बोलते हैं मैं क्या लिखूँ, इसको बोलेंगे वाट शैल आई राइट, वाट शैल आई राइट। मैं क्या पकाऊँ, ये सेंटेंस घरेलू सेंटेंस है, घर पर बोला जाता है, मैं क्या पकाऊँ, वाट शैल आई कुक, वाट शैल आई कुक। अब ऐसे सेंटेंसेस में वाट पहले आ रहा है क्योंकि क्या शब्द बीच में है, तो जो इस टाइप का वर्ड बीच में होता है जैसे क्या, कौन, किसने, कहाँ, तो ऐसे शब्दों को पहले हम यूज़ करते हैं। मैं क्या खाऊँ, वाट शैल आई ईट, वाट शैल आई ईट। क्या मैं खेलूँ, अब देखो क्या शब्द पहले आ गया है तो हम क्या के लिए, मतलब सवाल हो रहा है तो शैल पहले ही कर देंगे, अब वाट नहीं लगाएंगे। शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूँ, शैल आई प्ले। क्या मैं बैठूँ, बैठूँ यानी बैठ जाऊँ, क्या मैं बैठ जाऊँ, क्या मैं बैठूँ। शैल आई सिट, शैल आई सिट। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं चला जाऊँ या क्या मैं जाऊँ, ये भी बोला जाता है, अच्छा सेंटेंस है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, तो इसको बोलेंगे शैल आई गो, शैल आई गो। अब अगला सेंटेंस आ रहा है, क्या मैं पढ़ूँ, क्या मैं पढ़ूँ, शैल आई रीड, शैल आई रीड। अगला सेंटेंस है, क्या मैं नहाऊँ या फिर क्या मैं नहा लूँ, तो इसको बोलेंगे शैल आई बेथ, यहाँ पर बेथ वर्ब है,